नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना वृश्चिक राशि के लिए है। इस पर वीडियो बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत लोग हमारे प्रशंसक, सब्सक्राइबर और देश और विदेश में रह रहे गणमान्य लोग, बुद्धिमान, बहुत शिक्षित लोग, उनके आग्रह पर इस बात की चर्चा करने के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं कि आने वाले इसी सप्ताह के बाद, जैसे ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जिस दिन आयोजित होगा, उसी दिन मंगल ग्रह का गोचर परिवर्तन वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में होगा। यहां कई सारे समीकरण, कई सारी शंकाएं और कुछ आशंकित हुए हमारे वृश्चिक राशि के भाई बहन बच्चे और हमारे वरिष्ठ लोग, उनकी शंका निवारण के लिए तथा कुछ उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा। आइए शुरू करते हैं। अगले एक डेढ़ महीना या कुछ ग्रहों के वक्री एवं मार्गी होने का जो प्रभाव है वो कब तक रहेगा और क्या नुकसान और क्या फायदा हो सकता है, धीरे से एक एक बात क्रम से आप सुनते जाइए। नंबर एक, सूर्य का एक महीना परिवर्तन 16 अगस्त से 17 सितंबर तक आपके दशम भाव में होगा। वह दशम भाव आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार, इंक्रीमेंट तथा आपकी जीवन में उपलब्धियों का कारक बन करके सूर्य मूल त्रिकोण में आ रहा है। साथ ही साथ एक विडंबना देखिए और कंट्रावर्सी, विरोधाभास समझें आप या वास्तविकता समझें। ठीक 180 अंश पर बैठे हुए अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में शनि देव अपने पिता को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। अब दोनों की पावर, दोनों ही इतने शक्तिशाली हैं कि दोनों का आभा मंडल, दोनों की शक्ति आपस में टकराएगी वृश्चिक राशि के केंद्र में चतुर्थ और दशम भाव में। इधर सूर्य का फोकस, इधर शनि का दृष्टिपात करना सूर्य के ऊपर। सूर्य एक राजा है ग्रहों का, उसकी आभा मंडल कांति को कोई भी मलिन नहीं कर पाया आज तक। राहु और केतु भी क्षणिक या बादलों से ढकने के कारण सूर्य का अस्तित्व तो खत्म नहीं होता, लेकिन कुछ समय के लिए छाया अवश्य आती है। ये 30 दिन जो 30 अंश होंगे 16 अगस्त से 17 सितंबर तक शनि की देखरेख या शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर होगी। एक निगेटिव इफेक्ट कह सकते हैं, परंतु आपका जो पिता स्थान है, फादर, कर्म, आपकी नौकरी, इज्जत, प्रतिष्ठा, सब कुछ दशम भाव है, वहां पर सिर्फ केवल और केवल 10 दिन मंगल की दृष्टि का त्रास भी दशम भाव पर बैठे हुए सूर्य को झेलना होगा। यहां पर क्या स्थिति है कि सूर्य जो है आग का अंगारा है, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट है, और वो आग का अंगारा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आग का गोला जो 55,000 फुट किलोमीटर हाइट से हीलियम गैस के द्वारा पृथ्वी को प्रकाशित और ऊष्मा प्रदान करता, गर्मी देता है, इसकी दृष्टि शनि की उस पर होने के कारण तथा मंगल की पूर्ण दृष्टि, तो जब अंगारक जैसी स्थिति मंगल ग्रह एक्सट्रीम हॉट अति तापी ग्रह दृष्टि डालता है, लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि वहां पर नहीं है क्योंकि मंगल
गुरु के साथ है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि है। मंगल और बृहस्पति वृश्चिक राशि को तो देखते हैं लेकिन आपके दशम भाव को नहीं देख रहे। दशम भाव पीड़ित हुआ, प्रकाशित भी हुआ लेकिन विवश है, जैसे एक तोता या कोई पक्षी पिंजरे में बंद होता है और वो कोशिश करता है कि उस पिंजरे से बाहर निकल जाऊं लेकिन विवशता होती है। तो ये विवशता कितने दिन की है? मात्र 10 दिन की। 26 तारीख को मंगल की दृष्टि सूर्य के ऊपर से हट जाएगी, कम से कम ये बेनिफिट तो मिलेगा। क्लियर हो गई बात। अब हम सिर्फ वृश्चिक राशि के स्वामी की बात करेंगे जो सप्तम भाव से अष्टम में आएंगे। अष्ट का मतलब होता है कष्ट। अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है वृश्चिक राशि का, जहां पर 3 नंबर मिथुन राशि होती है। अब वो मिथुन राशि पर मंगल का संचरण और विचरण अक्टूबर तक है और वो स्वामी कहां का है? लग्न यानी कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न का स्वामी और छठे भाव का स्वामी। छठे का स्वामी अष्टम में जाना यानी कि रोग का स्वामी अष्टम स्थान में जाना। उतने दिन वृश्चिक राशि के लिए अपमानजनक स्थिति का दौर रहेगा। कारण क्या है कि पहले से ही त्रास झेल रही वृश्चिक राशि, ताप और संताप, अशांति, तनाव, झगड़े, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ भूमि, भवन, वाहन, सवारी, कई प्रकार के झगड़े झंझट विवाद के साथ साथ आपके घर में जो माता है या आपका पशु है उनके लिए रोगकारक स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में जब मंगल अष्टम में आएगा तो आपको लगेगा कि कुछ लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र करना चाहते हैं, अपमान करना चाहते हैं या आपको, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं नीचे काम करने वाले वो भी आंख दिखा करके बात करेंगे या आपकी डिसऑबिडियंस अवज्ञा, आज्ञा का पालन नहीं करना या आपको इतना अंदर से डर लगेगा, डर घबराहट दिल में कि पता नहीं मेरा कुछ नुकसान ना हो जाए। अनिष्ट की आशंकाओं से आशंकित होता मनुष्य जब उसका लग्न का या राशि का स्वामी अष्टम भाव में चल रहा होता है, खासतौर से पाप ग्रह राहु या शनि अथवा मंगल या केतु। लेकिन यहां आप देखेंगे कि राहु पंचम भाव में है, आपके सलाहकार अच्छे नहीं है, आपकी मित्र मंडली अच्छी नहीं है। अगर कोई मित्र अच्छी सलाह भी दे रहा है तो वो जो दांव है, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं वो उल्टा पड़ रहा है, सीधा नहीं हो रहा है, इसीलिए आप अशांत मन के हैं और कार्यों में अवरोध। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतना उसका क्रेडिट, उस पारिश्रमिक आपको नहीं मिल पा रहा है। ये सबके साथ है, आप अकेले नहीं है समाज में। कम से कम 12 करोड़ लोग वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के होंगे ही होंगे। 12 करोड़ वृश्चिक राशि, 12 करोड़ वृश्चिक लग्न, तो 24 करोड़ लोगों पर ये इफेक्ट होगा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, अब उपाय पर आ जाइए। आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना, सुंदरकांड, पूजा पाठ, साबुत मसूर की दाल और गुड़ और लाल वस्त्र में बांध करके मंदिर में जरूर दान करें कि या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दें जो उसको खा सके, आपके दोष दूर होंगे। साथ ही एक मंत्र है, ओम भौमाय नमः, भौमाय नमः, मंगल को भौम शब्द कह करके पुकारा है, ओम भौमाय नमः, इस मंत्र का साधारण जाप कीजिए, आपको लाभ होगा। मन के जो अंदर डर है, अशांति है, एंग्जाइटी है,
वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ अब हम एक बात जोड़ना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप सभी भाई लोग विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण, अनुराधा चार के चारों चरण और ज्येष्ठा के चार चरण, लगभग चार ज्येष्ठा चार अनुराधा एक विशाखा नौ चरण से मिलकर वृश्चिक राशि बनी है इस समय आज की तारीख में। अब मैं सीक्वेंस शुरू करता हूं। आप लोगों की बुध की महादशा से आरंभ करते हैं। बुध की दशा वृश्चिक राशि वालों की जिनकी चल रही है और वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है, तो बुध जो ग्रह है वो अपना पूरा फल नहीं दे पाता है, खास तौर से उस पोजीशन में जब अस्त हो या वक्री हो या अच्छे उस स्थान पर ना हो जहां का वो कारक नहीं है। ये बुध की दशा कष्ट कारक होगी, बाकी सब के लिए अच्छी होगी। फिर उसके बाद आती है केतु की दशा, ये भी वृश्चिक के लिए सात साल अच्छी नहीं कही जा सकती, स्ट्रगल के साथ रहेगी। अब आया शुक्र की महादशा का वर्णन। 20 वर्ष तक आपको हर प्रकार के सुख साधन, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, भूमि भवन वाहन श्रृंगार सोना चांदी, महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए सीनियर सिटीजन के लिए भी सबके लिए अच्छी ही रहती है। उसके बाद सूर्य दशा आपको अलंकृत करती है, आपकी वाणी इतनी ओजस्वी वाणी, यशस्वी बन जाते हैं आप अलंकृत होते हैं। फिर चंद्रमा की दशा आपके भाग्य का सितारा बुलंद कर देती है। ऐसे ऐसे आदमी है वृश्चिक राशि वाले जो इस देश की बड़ी बड़ी सत्ता को संभालते हैं, और चंद्रमा की और मंगल की दशा राहु की इनके लिए वरदान बन जाती है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।